जय हिंद दोस्तों, मैं एक्सरसाइजमैन पुष्कर चंद कुमार रेजिमेंट। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है संडे, मैं आया हूँ छुट्टी और रहना हो रही है तैयार और बन रहा है हमारा नाश्ता। देखिए तो नाश्ता हो गया हमारा तैयार। आप ये हटा के देख सकते हैं बच्चन, ये देखिए तैयार है आपका पैनकेक। वाओ पैनकेक कितना स्पॉन्जी हुआ और ये इसके इसमें भी तैयार हो रहा है। सब वेजिटेरियन है, देखिए गरम गरम चाय और खिचड़ी बना रही है चाय। आप लोग भी आइए और पुष्कर के आपके नाश्ता करके जाइए। थैंक यू। ये चाय तो कतई कैसी लग रही है, जैसे क्या बताएं, जहरीली, कोई खाए और मर जाए वाली। ये देखिए नाश्ता हो गया तैयार। वाओ कप में लग गया और टमाटर सॉस डल रहा है अभी। ये देखिए क्या मस्त टमाटर सॉस है। और देखिए सभ्यता मोबाइल लेके आ गए खाने के लिए, बिना मोबाइल के नहीं खा पाती हैं। सभ्यता और संस्कृति देखिए कितने प्यार से नहा रहे हैं। वाओ अब ये देख बाहर से आई है अभी और अब झूला झूलने के लिए बोल दिया, अब झूला झुलाने को बोल दिया। देखो मेरी तो ड्यूटी लगा रखी है इसको झूला झुलाने की। के बाद हम संडे को घूमने चले जाते हैं खटी माँ पुलिस वाली दीदी के यहाँ, गीता दीदी के यहाँ। फिर रास्ते में हमें दिखता है चकरपुर का शिव मंदिर। बम बम बोले जय शिव शंकर। अभी इस पुराने मंदिर को तोड़कर नया मंदिर बनाया जा रहा है जो कि काफ़ी भव्य होगा। देखिए कितनी प्यारी बड़ी शिव शंकर भगवान की मूर्ति है यहाँ पर। बम बम बोले चकरपुर का मेला लगता है इस जगह पे। तो देखिए हम पहुँच गए अपनी दीदी के घर खटी माँ। मिट्टू कैसे हो, आर बेटा कैसे हो। देखो हमारी दीदी से मिली है गीता दीदी, उत्तराखंड पुलिस, जय हिंद जय भारत। तो हम पहुंच गए हैं दीदी के घर और रहना और बच्चे खाते रहे, बस खाते ही रहे, पतली होते रहे खाते रहे। ये हमारी भांजी आर्मी और ये संस्कृति मिट्टू रहना। गीता दीदी से मिलने के बाद खूब सारी बातें गप्पे मारने के बाद हम चले जाते हैं सुनीता दीदी के घर जो कि है पाकपुर। ईडन गार्डन साक्षी ने बहुत अच्छा गार्डन बनाया। मेरे भांजे देखो देहरादून से आए हैं, सत्यम चंद और यह है वर्तिका चंद मेरी भांजी। और हम फिर पहुंच गए गीता के घर से अपनी दीदी सुनीता दी के घर फाकपुर। मैं तो आज मेरा ऐसा ही हो गया, ये मैं गर्मी मुझे सूट नहीं हो रही जब से मैं पिथौरागढ़ रह रहा हूँ। देखो ना कैसा हो गया मैं। देखिए हमारी मैम और मेरी दीदी एक साथ, ये बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट ही है ये। आओ ना फिर बात तो करो, मेरा चैनल देखते हो ना आप तो। हाँ, कैसा लगता है। थैंक यू, शेयर करना। हाँ आप भी बहुत खूबसूरत हो। देखो मैम के बच्चे ने इंटर पास कर लिया कहीं से लग रहा है। नहीं लग रहा है, कसम से आपके बच्चे इंटर पास कर लिए होंगे। मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगता ना, मेरे पास जैसे मैंने तो कमी देखा था ना, तो बच्चे की मम्मी आओ तो देखो तो कहेंगे काफी कार्य। थैंक यू दीदी, मुझे आती देखो ताजा ताजा छाछ बन रही है। रिंगवाल जीवन और रिंगवाल और जीवन भट्टे ना बहुत छाछ पीते हैं यार, यही मंगाते हैं रोज, छाछ लेके आना छाछ लेके आना। तो देखिए भटजी और रिंगवाल जी छाछ ताजा ताजा बन रही है तुम्हारे लिए, बहुत परेशान करते हैं तुमको, समय छाछ ला देना छाछ ला देना। तो साक्षी ने गर्मा गर्म समोसे समोसे बनाए हमारे लिए हमें आते ही। थैंक यू साक्षी। अरे तुम खा रहे हो समोसा। ना 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 मैं नहीं खाता समोसे। और मैं पी रहा हूँ लेमन टी। देखिए बाबू हाँ बैठो मत, दीदी की हेल्प करो छाछ बनाने में, आप भी सीखो कैसे बनाते हैं ना, सीखनी चाहिए। और क्या, जैसे जैसे मशीन घूम रही है वैसे वैसे तुम भी घूमो। ये देखो साक्षी ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, देखी मेरी भांजी ने। पर एक दिन हमारे यहाँ के मामा नाम बता दो इन सब फूलों को। इसका नाम है आपका कैक्टस, इसका नाम है लोटस, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी, इसका नाम चमेली, इसका नाम मनी प्लांट है। वो मनी प्लांट तो नहीं है, ये मनी प्लांट वो है। और ये है एग्रो, ये है पत्थर चिट्टा, ये है आयरन स्टील, सब फूल है यहाँ पे। आप आइए देखिए कितना अच्छा गार्डन है हमारे भांजी का। और ये खिड़कियों में भी फूल लगते हैं,
इनने इनके हाथों में इतना कमाल है कि लोहे में भी ये फूल उगा देती है। हाथों में इतनी चाहिए इनको। अब हम जाते हैं वाली वीडियो में। तो हम चलते हैं फिर। हाँ सुनता दी चले। हाँ चलो। संस्कृति को डब्बे के अंदर डाल दो एक बार। अरे बात के बाद सिंगी। इसको क्या चाहिए? तो देखिए अब यहाँ पे संस्कृति सभ्यता लड़ने लग गए आपस में कि झूला मैं झूलूंगी, झूला मैं झूलूंगी। और जिया इनको झूला झुलाने के लिए तैयार हो रखी है। तो भैया झुलाना पड़ेगा, मैं थक गया उनको झूला झुलाते जाते। ये लड़ना है, कोई कह रहा मैं झूलूंगा, कोई कह रहा मैं झूलूंगा। देखो कभी भी झूले अब घर में लाओ ना, दो झूले लाओ, बच्चे दो हैं तो। अब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी इनको झुलाने की, ठीक है? और रहना बना रही है यहाँ सब्जी, खाना बना रही है। और इसी के साथ, खाने के साथ कहते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अब लड़ो मत ना, एक गोद में बैठ जाओ सभ्यता। आप उनकी गोद में बैठ जाओ, बैठ जाओ ना सभ्यता, प्लीज जाओ।